लीग टीम में जिस तरह से भारत का परफॉर्मेंस रहा, नंबर एक की टीम बना है भारत, ऑस्ट्रेलिया नंबर दो पायदान में पहुंचा है उस पूरे सूची में, क्या कहेंगे सर? चूंकि अभी न्यूजीलैंड से एक भी मैच भारत का नहीं हुआ है, लीग में एक मैच था बारिश से एक भी ओवर नहीं फेंका गया था, और न्यूजीलैंड की टीम भी बहुत मजबूत है, नंबर दो पे उसके वर्ल्ड रैंकिंग उसके बॉलर है, क्या कहेंगे सर, क्या उम्मीद है? देखिए, मैं समझता हूँ कि भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और जैसी उम्मीद थी, क्योंकि पिछले दो ढाई साल से लगातार भारत अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, सारे बैट्समैन उनके लय में थे, टीम का कॉम्बिनेशन संतुलन बहुत अच्छा था, और सबसे बड़ी बात ये थी कि टीम में विकल्प हैं, चाहे स्पिनर हों, बैट्समैन हों, फास्ट बॉलर हों, और ये जब विकल्प होते हैं तो ये टीम की जो है कमजोरी भी हो जाती है और टीम की मजबूती भी हो जाती है, कि कमजोरी होती है कि किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं, साथ में मजबूती हो जाती है कि कोई जरा सा चोटिल हो गया तो आपके पास तुरंत जो आपके पास जो है सब्स्टिट्यूट है या आपके पास विकल्प है, तो ये अच्छी बात हो जाती है। और भारत जो है भारत ने इसका पूरा इस्तेमाल किया है, और भारत जो है वो सेमीफाइनल पहुंच गया, नंबर वन टीम बनी है। न्यूजीलैंड का जहां तक सवाल आता है, न्यूजीलैंड अच्छी टीम है, इस टूर्नामेंट में अच्छा कर रही है, लेकिन उसकी कमजोरी भी है, और भारत जो कोशिश यही करेगा कि उनकी कमजोरी जो है उसका पूरा इस्तेमाल करे। उनकी फास्ट बॉलिंग अच्छी है, स्पिनर बहुत अच्छे उनके नहीं हैं, लेकिन उनका जो भरोसा होता है उनके फास्ट बॉलर्स के ऊपर होता है, बहुत कुछ निर्भर करेगा कि विकेट किस प्रकार की बनती है, यदि फास्ट बॉलर्स को मदद मिली है तो फिर उनको थोड़ी सा एडवांटेज उनको मिल सकता है, लेकिन अगर बिल्कुल ही पाटा विकेट बनती है तो फिर मैं नहीं समझता कि उनको बहुत ज़्यादा उसका उपयोग होगा, बल्कि अगर बहुत ज़्यादा पाटा बनती है और हल्की सी बॉल अगर स्पिन हो जाती है तो हमारे जो स्पिनर हैं उनको पूरा लाभ मिलेगा, और न्यूजीलैंड की टीम जो है वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा नहीं खेलती है, तो एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि प्लस पॉइंट हमारे साथ में रहेगा। कुल मिला के मैच अच्छा होगा, लेकिन भारत का यदि हम मैन टू मैन देखें और यदि हम तुलना करें टीम की, तो भारत का पलड़ा थोड़ा सा भारी है न्यूजीलैंड से, लेकिन सेमीफाइनल मैच है, न्यूजीलैंड जुझारू टीम है, बहुत मेहनत से करते खेलते हैं। भारत के साथ अच्छी बात ये और भी है कि भारत फील्डिंग बहुत अच्छी कर रहा है, भारत कैचेस नहीं छोड़ रहा है, जो दूसरी टीमें जो है धड़ाधड़ कैचेस छोड़ रही हैं, तो भारत की जो है हवा में जो फील्डिंग है वो बहुत ही अच्छी है, अच्छे अच्छे कैच पकड़ रहे हैं, ब्रिलियंट कैचेस पकड़ रहे हैं, तो ये भी एक है, तो बैटिंग ठीक है, बॉलिंग ठीक है और फील्डिंग भी ठीक है, और इसी वजह से इस टूर्नामेंट में लीग फेज में जो है नंबर वन है भारत। जी,